आज सुबह आपने क्या खाना खाया था? अच्छा चलिए छोड़िए, कल शाम को क्या खाना खाया था वो बताइए। ठीक है, याद है तो ये भी बता दीजिए कि परसों शाम को क्या खाना खाया था। नहीं याद है ना? मोस्टली ऐसा होता है कि हमने क्या खाना खाया था और कितनी क्वांटिटी में खाना खाया था हमें जनरली याद नहीं रहता है। यस दोस्तों, आज 21 डेज की हैप्पीनेस एंड हीलिंग की चैलेंज में बात करने वाले हैं माइंडफुल ईटिंग की। माइंडफुल ईटिंग की प्रैक्टिस करने से बहुत सारे फायदे होते हैं। हमारा माइंडफुल ईटिंग की प्रैक्टिस से डाइजेशन सिस्टम नॉर्मल होता है, जिसको कॉन्स्टिपेशन है वो बीमारी दूर हो जाती है। माइंडफुल ईटिंग से हम प्रेजेंट मोमेंट में रहने की प्रैक्टिस करते हैं, जिससे हमारा मन शांत रहता है। कैसे करें माइंडफुल ईटिंग की प्रैक्टिस? सिंपल सा, आप हर एक निवाला, हर एक बाइट को चबा चबा के खाइए। फूड के कलर को और टेक्सचर को महसूस करें, उसको देखें, वो स्मेल को भी फील करें, फूड की स्मेल को इंजॉय करते हुए खाएं। और जब आप इसकी प्रैक्टिस करते हैं ना, तो जनरली हमारा ध्यान कहीं और है, टीवी या मोबाइल में और खाना खाते हैं, कंप्लीटली फूड में ध्यान नहीं है, माइंडफुल ईटिंग नहीं है और खाना खाते, उससे आधी क्वांटिटी में भी हमारा पेट भर जाएगा और हमारी हेल्थ अच्छी रहेगी। ट्राई करके देखिएगा।